प्रेषित करें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जोरदार तालियों के साथ में एक बार स्वागत करेंगे भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल अपना दल एस तानिसाद राज पार्टी इस विधायक दल की आज की इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, सह प्रवेक्षक के रूप में यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य श्री रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री मान्य श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यासी सिंह पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी के रूप में जिन्होंने 5 वर्षों तक निरंतर प्रदेश में सुरक्षा सुशासन की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री सुनील वंशल जी, सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायकगण, विधान परिषद के सभी मान्य सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य सम्मानित पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय पर्यवेक्षक माननीय गृह मंत्री जी का, सह पर्यवेक्षक और पूरी पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि पांच वर्षों तक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सबको सेवा का अवसर देने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। मैं आभारी हूं आप सबका। इस प्रस्ताव का यहां पर जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं और विधायक दल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, लगातार 8वीं बार 9वीं बार शाहजहांपुर से विधायक चुने गए।
और माननीय सुरेश खन्ना जी के प्रस्ताव पर श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी ने, श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी ने, श्री सुशील साक्य जी ने, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने के साथ ही आप सब ने सर्वानुमति से इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है और यह संभव हुआ है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका यशस्वी नेतृत्व, माननीय गृह मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने उस समय संगठन की जो एक मजबूत नींव प्रदेश में रखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके व्यापक दौरे और 2014 में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा सुशासन के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए 2017 में विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से एक एक योजना को उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित करने के जिस भाव के साथ यह अभियान प्रारंभ हुआ, सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है जनता जनार्दन ने, उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था, लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावक तत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उसके परिणाम भी आए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में व्यापक निवेश हुए, उत्तर प्रदेश में रिफॉर्म की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश में विकास की बात हो सकती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी सुशासन की बात हो सकती है और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का,
हमारी केंद्रीय नेताओं का और एक अभिभावक के रूप में समय समय पर जिस रूप में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने के इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, वो हम तभी संभव हो पाया, अन्यथा हम तो अनगढ़ लोग थे, कोई भी जानकारी नहीं थी। एक सांसद के रूप में हर व्यक्ति जान सकता है, एक सांसद अपनी बात को रखता है, संसद में रख सकता है, लेकिन शासकीय कार्य कैसे संपादित होने हैं, प्रशासन की व्यवस्था का संचालन कैसे होना है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को जब हम एक सांसद के रूप में रहते तो अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, लेकिन जब एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हमें कार्य करना हो तो उस समय अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में करना है, यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और उस जिम्मेदारी का निर्वहन किस रूप में किया जाना चाहिए, यह एक एक बात को समय समय पर जिस प्रभावी ढंग से लागू करने में हमें मदद मिली, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में 2017 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में या स्वयं की कोई योजना तो होती नहीं थी, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में जिसकी भूमिका सबसे पीछे होती थी, जिसके कारण केंद्रीय योजनाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में उत्तर प्रदेश एक बैरियर दिखाई देता था, आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है, पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है, पहली बार लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकते हैं, पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिलना, केंद्र शासन की ओर से भी और राज्य शासन की ओर से भी एक सपना था, क्योंकि यहां पर तो खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे, लेकिन आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को उस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। और हमने देखा इस पूरे चुनाव में सचमुच जनता भले ही प्रतिक्रिया व्यक्त न करती हो लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब जरूर देती है, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास, सबका साथ सबका विश्व सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र ने अपना असर दिखाया और जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। और जनता जनार्दन ने, आपने देखा होगा गांव गांव में गरीब की झोपड़ी से लेकर के एक सामान्य इंसान, माताएं बहने हो, बेटियां हो, या युवा या अन्नदाता किसान, सबने भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कंठ से, खुले हृदय से समर्थन दे करके सारे के सारे उन दुष्प्रचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल एक विश्वास के साथ कि मोदी है तो मुमकिन है, और इस भाव के साथ जनता जनार्दन ने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को दिया, और जिसका परिणाम है कि 2/3 से अधिक समर्थन लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने सहयोगी दल के साथ आज फिर से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है,
सत्ता प्राप्त करना एक प्रतिष्ठा का विषय नहीं, हम सब की परीक्षा के दौर से आगे बढ़ने के लिए भी हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है। यह परीक्षा हम जनता जनार्दन की अदालत में कितने अपने आप को खरा उतार सकते हैं। योजनाओं का लाभ बेहतर समन्वय के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार का जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था उसको जनता ने खुले हृदय से अपना समर्थन किया है, खुले हृदय से उसको अंगीकार किया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन योजनाओं को हर एक तक पहुंचाना, तकनीक उसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 80,000 राशन कोटि की दुकान में ई पॉस मशीन का लग जाना, उन गरीबों तक राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो जाना, जनधन अकाउंट में करोड़ों बैंक के खाते खुल जाना, भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ जाना, और इन सभी को जब हम आगे लेकर के चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा, पहले सुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी और उसके लिए तैयार होना, उसके लिए तैयार होना, उस सुशासन की स्थापना उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प दिया है देश के सामने, जिस प्रकार का शासन देकर के देश की और दुनिया के अंदर आज लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी छू रहे हैं अपनी कार्यों के माध्यम से, अपनी कर्मठता के माध्यम से, अपने देश की सुरक्षा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भारत को दुनिया के महाशक्ति के रूप में स्थापित करने को लेकर के, और यही संकल्प देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अगर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है यह देश के विकास में सहायक बनता है। आखिर देश की छठी आबादी यानी 1/6 आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है, और 1/6 की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करने के बाद इस 6 करोड़ जनता के लिए, हमें याद है जब पहला बजट हमें प्रस्तुत करना था, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन लेने के लिए गया था। उन्होंने कहा योगी जी देखिए यूपी जैसे राज्य की का बजट 2 लाख करोड़ का हो कैसे आप लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे, लेकिन इसके लिए 2 कार्य करने पड़ेंगे, राज्य की आय को बढ़ाना पड़ेगा और खर्च के दायरे को भी बढ़ाना पड़ेगा जिससे हर गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंच सके। और हम लोगों ने 2 लाख करोड़ से बढ़ा करके 6 लाख करोड़ तक उत्तर प्रदेश के बजट को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का कार्य पहले 5 वर्ष के इस कालखंड में, जबकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे सामने चुनौती के रूप में थी, उस पर भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की GDP को बढ़ाया है, ये दोगुने से ज्यादा हुई है, लेकिन साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन की पहले कालखंड के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना है, लोक कल्याण संकल्प पत्र पार्टी ने चुनाव के ठीक पहले जारी किया है। और यही नहीं, युवाओं के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए, और उत्तर प्रदेश की जो पहचान है उस आस्था का सम्मान करने के लिए बहुत कुछ अभी हासिल करना बाकी है जिसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन आप जो अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की है, उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए हम सबको प्राणपण से जुट करके काम करना होगा, मिलकर के कार्य करना होगा, एक टीम वर्क के रूप में काम करना होगा, मिलकर के एक सेवक के रूप में, एक देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए,
हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें। एक सेवक के रूप में बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। पार्टी ने एक व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी की व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के तहत हम अपना योगदान देंगे और पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश तमाम मामलों में आज अग्रणी राज्य के रूप में देश के अंदर उभर करके आया है। उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ जुड़ने का समय हमारे सामने है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा और ये संभव है। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबके पास है। वो उत्तर प्रदेश के काशी से स्वयं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए प्राप्त होता है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस प्रक्रिया के साथ, सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज एक बार फिर से मुझे जब पार्टी ने यह अवसर दिया है, मैं यहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी का, सह पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री रघुवर दास जी का हृदय से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और सर्वानुमति से इस राय को यहां पर व्यक्त करने में जो योगदान हमारे नेताओं का यहां पर प्राप्त हुआ है, इनके लिए प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पार्टी संगठन का चुनाव के दौरान चुनाव के प्रभारी के रूप में माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, संगठन के प्रभारी के रूप में माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का संयोजन करके इस पूरी प्रक्रिया को एक टीम भाव के साथ आगे बढ़ाने में जो योगदान श्री सुनील बंसल जी ने और उनकी पूरी टीम ने दिया है, मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे दोनों सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश खन्ना जी और इस पूरी टीम ने, मेरे मंत्रिमंडल के जितने सहयोगी थे, जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, संगठन के केंद्रीय मंत्रीगण थे, केंद्रीय पदाधिकारी थे, देश के अंदर प्रवासी कार्यकर्ता थे, विस्तारक थे, उन सब का भी मैं हृदय से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। आज मुझे फिर से जिम्मेदारी पार्टी ने दी है और मैं इसको पूरी मजबूती, मैं इस बात का एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को जनार्दन मान करके उनकी सेवा के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। और पूरा विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल, हमारा पूरा विधायक दल इस पूरे अभियान का साक्षी बने और इस अभियान के साथ एक टीम के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे, उसके बेहतर परिणाम और भी अच्छे ढंग से आ सकते हैं। कोरोना कालखंड में चुनाव संपन्न हुआ है, एक बड़ी चुनौती थी और
फ्री में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को जिस रूप में उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। देश के अंदर 175 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगी हैं और उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 29 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेस अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हुई हैं। थर्ड वेव पूरी तरह समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें फिर भी सतर्क रहना होगा। कोरोना कालखंड में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जो उत्साह आप सबके प्रति, पार्टी के इस पूरे अभियान के प्रति जनता जनार्दन ने व्यक्त किया है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का इसके प्रति हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने चुनाव प्रचार में और पूरी प्रक्रिया के साथ पूरी मजबूती के साथ भाग लेकर के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया है। अपने दोनों सहयोगी दल, अपना दल एस और निषाद पार्टी, अपने इन दोनों नेताओं का, इनसे जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने इस पूरी प्रक्रिया के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चुनाव जिताने में अपना योगदान किया है। मैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल और हमारे सहयोगी दल ने जो आज फिर से मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस दायित्व के निर्वहन करने के लिए आपके साथ मिलकर के कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका एक बार फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, आज के इस केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में माननीय गृह मंत्री जी, सह पर्यवेक्षक के रूप में माननीय श्री रघुवर दास जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। तो विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी